न्यूज। दिल्ली में फिर भड़की हिंसा, भीड़ ने जाफराबाद रोड को किया ब्लॉक। इतने सारे दंगे, इतने लोग मरे हैं। उधर ये नेता लोग भड़काऊ भाषण देते हैं और इस तरफ ये भड़क जाते हैं। यार प्रोग्राम हैपनिंग इन इंडिया टुडे डूड। ट्रू, शर्म आ रही है आज मुझे अपने इंडियन होने पर। सीरियसली यार, मी टू, वेरी ट्रू। ओ हेलो, शर्म नहीं, रिसर्च करो, रिसर्च। फिर सुनते हैं ना कुछ तड़कते भड़कते भड़काऊ भाषण। देखो, घरों से बाहर निकलो। कभी कभी इस पार या उस पार का फैसला लेना पड़ता है। डरो मत, हमें लड़ना होगा। अगर आज चुप रहे तो हम नष्ट हो जाएंगे। हम 15 करोड़, तुम 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। हमारी शरीयत ने हमें आखिरी हल बता दिया है और वो है जिहाद। क्या ये सब भी कपिल मिश्रा ने बोला है? भाई साहब, ये सब बोलने वाले हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ये शर्जील इमाम, वारिस पठान जैसे लोग। तभी तो लोग सड़कों पर आ गए। एक्सक्यूज मी, तब आप लोगों को शर्म नहीं है? 3 महीने तक एक सड़क बंद रही, तब भी शर्म नहीं आई? प्रोटेस्ट के नाम पर हिंदुत्व की कब्र खुदेगी कि नारे लगाए, तब भी शर्म नहीं आई आपको? कांस्टेबल रतनलाल के 3 मासूम बच्चों को अनाथ कर दिया गया, एक यंग आईबी ऑफिसर को ब्रूटली सबके सामने मार दिया गया, तब शर्म नहीं आई? मतलब कि ताहिर हुसैन की छत से एक्चुअली हंड्रेड्स ऑफ पिस्टल्स, बम, एसिड, पत्थर, ये सब मिलते हैं, तब भी शर्म नहीं आई? लेकिन शर्म आपको कब आई? इतना कुछ हो जाने के बाद। क्यों मैडम? अपने देश पर शर्म करने को लिबरलिज्म नहीं कहते, अपने धर्म पर शर्म करने को सेकुलरिज्म नहीं कहते। और अगर कुछ अच्छा करना ही है ना, तो शर्म नहीं, अपने देश के लिए अच्छे कर्म करो। जय हिंद।